तो दोस्तों ये है फॉर्क, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिए मैंने। इसी तरह जो है छोटे छोटे पीस बना के तैयार किए हैं। इसके लिए जो है मसाले तैयार किए हैं, ये है लोकल लीफ, यानी कि ये है ब्रौना साग हम लोग का लैंग्वेज से कहते हैं, और इसे मेजंगा पत्ता भी कहते हैं असमीस में। तो ये है आलू, 5-6 आलू भी ऐड कर लूँगी इसमें, और ये है बिल्कुल ही ऑर्गेनिक वाला टमेटो, और 4 पीसेस ये है लहसुन और प्याज, और ये है कोरिएंडर लीफ, तो इसको भी ऐड कर लूँगी इसमें। तो ये है रेड चिल्ली, तो इसको जो है पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। अभी सबसे पहले जो है लहसुन को पीस लेती हूँ। तो हो गया बिल्कुल ही, इसको जो है निकाल लेते हैं। फिर अभी चिल्ली को पीस लेंगे। अभी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ नमक, ये है नमक, ये पेस्ट भी हो चुकी है रेडी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि अभी जो है गैस के फ्लेम के ऊपर चलते हैं। तो अभी गैस के फ्लेम जो है ऑन कर, तो दोस्तों गैस के फ्लेम ऑन कर लिए, तो इसके ऊपर इस बर्तन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले ऐड कर लेती हूँ ये है फॉर्क, तो दोस्तों ये उबलना शुरू हो गया। तो मैं अभी ऐड कर लेती हूँ इसमें सबसे पहले लहसुन, और ये नमक, तो अभी कर लेती हूँ हल्दी पाउडर। अब जो है ऐड कर लेंगे ये चिल्ली पेस्ट, तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं अभी इसको। तो दोस्तों अच्छी तरह से मिला के हो गया। अभी ढक्कन कवर कर लेती हूँ। अभी 5 मिनट तक इसको जो है ढक्कन से कवर करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी तब तक जो है मैं अभी रेडी कर लेती हूँ बाकी सब। तो दोस्तों एक एक करके अभी काट लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑनियन को काट लेती हूँ, इसको जो है सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ऑनियन जो काट के हो गया दोस्तों, सबसे पहले जो है अभी ऑनियन को उसमें ऐड कर लेती हूँ।
तो दोस्तों अभी खाद लेते हैं। सबसे पहले आलू जो अभी ऐड कर लेंगे खाद के। फिर टोमेटो को भी काट लेती हूँ। अभी ये सारे जो है ऐड कर लेती हूँ, टोमेटो और आलू। तो अभी ऐड कर लेते हैं ये टोमेटो और ये। तो अभी दाल के हो गए दोस्तों, अभी ढक्कन कवर कर लेती हूँ। तो इसको 5 से 10 मिनट अभी लो फ्लेम में पकाते हैं। फिर जो है मैं अभी रेडी कर लेती हूँ ये मिर्चंगा पत्ता। तो मिर्चंगा पत्ता को जो है ऐसे तोड़ लेते हैं। तो ये भी रेडी है अभी। फिर थोड़ा ये बाद में डालेंगे इसको जो है धनिया पत्ता को भी अभी डाल लेती हूँ इसको। धनिया पत्ता को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये है जीरा पाउडर, तो थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ और धनिया पाउडर। तो फिर जो है थोड़ा सा मिला लेती हूँ इसको। तो दोस्तों अभी ऐड कर लेते हैं इसमें पानी। फिर जो है ढक्कन कवर कर लेते हैं, अभी 10 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। तो दोस्तों अभी ऐड कर लेंगे ये मिर्चंगा पत्ता। एक 2 मिनट और पकाएंगे दोस्तों, फिर ये पूरी तरह हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी तरह हो चुकी है।
तो इसको जो है अभी सर्व कर लेंगे।